क्या कंपनी को सिटीजन माना जा सकता है, यही डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइफ बैक सजल वत्स पे आए। चलिए हम शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। देखिए, इसका जवाब सीधे शब्दों में ये है कि कंपनी को भले ही लॉ एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर देखता है, एक पर्सन के तौर पर देखता है, लेकिन इसका सीधा जवाब यह है कि कंपनी को सिटीजन नहीं माना गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर और ना ही सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू। और यही फैसला भी था स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एक केस में, एसटीसी वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। एसटीसी वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जो केस था, उसमें कहा गया था, एक आर्गुमेंट रखी गई थी कि क्योंकि अगर हम देखें कि एक कंपनी की, अगर हम सेपरेट लीगल एंटिटी जो एक पर्दा है अपने आप में जो कि अलग करता है कंपनी और उसके मेंबर्स को, अगर हम वो पर्दा हटा के देखें, यानी कि जो वेल है, यानी कि पर्दा है, कॉरपोरेट वेल को अगर हम पियर्स कर दें, हटा दें, तो हम देखते हैं कि कंपनी में तीन मेंबर्स हैं जो कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। तो क्योंकि वो तीनों के तीनों सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, तो आर्गुमेंट ये रखी गई थी इस केस में कि कंपनी को भी इसलिए सिटीजन ऑफ इंडिया मानना चाहिए। लेकिन इस केस में फाइनली यही डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या सिटीजनशिप एक्ट 1955 की इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप नहीं दिए गए हैं कंपनी को। और राइट्स ऑफ सिटीजनशिप जो है सिर्फ उसी इंसान को दिया जा सकता है जो कि एक नेचुरल पर्सन है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है। और जस्टिस हिदायतुल्ला ने चुटकी लेते हुए इस पर कहा भी था कि अगर ऐसे हम करने लग गए कि कंपनी के सारे जो मेंबर्स हैं सिटीजन्स हैं, तो इसलिए कंपनी को भी सिटीजन मान लो, तो ऐसे तो कंपनी के अगर सपोज सारे मेंबर्स शादीशुदा हैं, तो क्या कंपनी को भी हम शादीशुदा मान लेंगे? तो बेसिकली उन्होंने जो एक ह्यूमरस तरीके से इस चीज़ को जो रखा था कि इस तरह से हम लॉ इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि कंपनी के मेंबर्स जो हैं अगर कोई चीज़ जो है होल्ड करते हैं, कोई करेक्टरिस्टिक होल्ड करते हैं, तो वही करेक्टरिस्टिक हम जो है कंपनी में भी चढ़ा देंगे। लेकिन आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि भले ही कंपनी को सिटीज़न नहीं माना गया है, लेकिन कंपनी एक पर्सन है लॉ की नज़रों में और कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में भी। तो इसलिए जो भी राइट्स पर्सन को मिलेंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, वो सारे राइट्स जो हैं कंपनी को मिलेंगे। जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी पर्संस को दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू क्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू मिलता है। तो वो राइट क्योंकि पर्सन के लिए है और क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये राइट जो है कंपनी को जो है वो एंजॉय कर सकती है। लेकिन कंपनी उन राइट्स को क्लेम नहीं कर सकती जो कि सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे, इंडियन सिटीजन्स को मिलेंगे। लेकिन आगे एक केस में आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये चीज़ डिसाइड हुई थी, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, कि अगर कंपनी को अगर हम सिटीज़न नहीं मान रहे और उसको कुछ राइट्स नहीं मिल रहे, उसकी वजह से अगर उसके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो जाके जो है हम उन सर्कमस्टांसिस में कंपनी को सिटीजन मान सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो है हमें उसके मेंबर्स को या उसके डायरेक्टर्स को जो है वो राइट्स देने हैं जो कि सिटीज़न को मिलते हैं। लेकिन फिर भी स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में कंपनी को सिटीजन हम तब भी नहीं कहेंगे, और कंपनी को केवल वही राइट्स मिल सकते हैं जो कि पर्संस के लिए हैं, जो कि पर्संस के लिए दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या किसी और एक्ट में, तो वही राइट्स एंजॉय कर सकती है कंपनी। और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कंपनी को सिटीजन मानेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि उसके डायरेक्टर्स या मेंबर्स के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। सो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है 4 to 5 marks में। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी बात आती है, तो आई होप कि हमने जितने भी डिस्कशन की है आप उसके थ्रू उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच और शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि इस टॉपिक में उनको कोई भी डाउट ना रहे। थैंक यू सो मच।